आपका नाम माता लक्ष्मी, इसलिए ये संसार कहेगा, क्योंकि वो माता ही तो है जो अपनी संतान की हर विपदा को टालने के लिए नारायण तक से लड़ जाए, नारायण तक से लड़ जाए, नारायण तक से लड़ जाए। आज के पश्चात मैं कभी भी आपके हाथों को पकड़कर आपकी इच्छाओं का वध नहीं करूंगा, बल्कि आप पर पूर्ण विश्वास करूंगा। सदैव आपका साथ दूंगा। आप जो भी निर्णय लेंगी मैं समझूंगा कि वही उचित है। और ये संसार भी सीखे कि पत्नी के निर्णय को, उसकी इच्छा को नखरे कहकर टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पीछे के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मी केवल तभी समृद्धि देगी जब उसकी गति रोकी ना जाए, जब उसकी गति रोकी ना जाए, उसकी गति रोकी ना जाए। संग से ही रंग जीवन का साथ खोले द्वार उलझन का, बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे, हर के तृष्णा वैभव देते करते जग संचार। जा रहा है महिषासुर, तैयारी कर दे, जिस दिन लौट कर आऊंगा तुम देवताओं से सब कुछ छीन लूंगा। यहाँ बल के मद में चूर महिषासुर आप सभी देवताओं को चुनौती देकर चला गया। सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, आप कोई साधारण देवता नहीं है, अपितु संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली तत्वों के स्वामी देवता है। इससे केवल एक ही बात समझ में आती है देवतागण, कि इन असुरों की शक्ति में कई गुना अधिक वृद्धि हो चुकी है, और अब हमें भी अपनी शक्ति में वृद्धि करनी होगी। इस तथ्य को जितनी शीघ्रता से हम समझ लें उतना ही हमारे हित में होगा।
रक्त बीज, तुम्हें इस सत्य को स्वीकार करना होगा, उस पर विश्वास रखना होगा, उसे मानना होगा कि साक्षात ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हारी मृत्यु दो बार होगी। प्रथम चरण में ब्रह्म के रूप में तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और दूसरे चरण में तुम्हारी मृत्यु शेष है। तुम्हारी चिता अग्नि से जो बालक निर्मित हुआ है वो तुम्हारा ही पुत्र हयशासुर है। नीति ने तुम्हें पुनः अवसर दिया है पुत्र, जो रंभ के रूप में ना कर पाए वो इस रूप में करने का, रक्त बीज के जीवन को सार्थक बनाने का। असुर साम्राज्य को स्थापित करने में हमारी सहायता कीजिए रक्त बीज। रक्त बीज असुरराज शुंभ का तुम्हें निवेदन भी है और आदेश भी। अवश्य एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ इसका कदापि अर्थ नहीं है कि पुनः प्राप्त हो जाऊंगा, और वो भी तब जब मेरे ही रक्त से मेरे ही जितने शक्तिशाली असंख्य असुर जन्म ले सकते हैं। अस्त्र अपनी शक्ति संपूर्ण संसार को दिखाऊंगा, संपूर्ण ब्रह्मांड को बताऊंगा शिव से भी अधिक शक्तिशाली कहलाऊंगा। गुरुदेव शुक्राचार्य, असुर माता दीति, असुर राज शुम और समस्त असुर जाति सुने, मैं रक्त बीज यह आश्वासन देता हूं कि असुर कुल के लिए अपनी क्षमता से अधिक करूंगा। असुर कुल का परचम सारे जग में फहराऊंगा, सारे जग में फहराऊंगा। माता, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप आदि शक्ति हैं, इतनी क्षमता, इतना बल है आप में, तो उन असुरों का संहार क्यों नहीं करते? संहार क्यों नहीं करते? संहार क्यों नहीं करते? जिनके कारण मुझसे मेरा प्रेम और आप सबका पुत्र भिन्न हुआ, जिनके कारण मेरे पिता इंद्रदेव सदैव चिंतित रहते हैं, जिनके कारण ब्रह्मांड में असत्य, अन्याय और घृणा का परचम लहराता है, उनका अंत क्यों नहीं करती आप? आज ना इंद्रदेव की पुत्री, ना ही आपके पुत्र वधू, बल्कि एक स्त्री आपसे वर मांगती है और ये आशा रखती है कि आप उसे दुख देने वाले असुरों को दंड अवश्य देंगी, उनका वध अवश्य करेंगी, उनका वध अवश्य करेंगी, उनका वध अवश्य करेंगी।